ब्लॉक अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर दमनकारी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश और देश की जनता दिनों दिन बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और हिमाचल प्रदेश सरकार हमारे द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों से विचलित होकर पुलिस को आगे करके हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे और पुलिसिय दबाव बनवाकर हमारे इस संघर्ष को जो कि महंगाई के बेरोजगारी के खिलाफ है उसको दबाना चाहती है। आज यूथ कांग्रेस के सदस्य जिनमें जिला महासचिव अमित शर्मा, पंकज मिन्हास, ऋषभ चोपड़ा, रमन शर्मा, संजीव शर्मा आदि पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर उनको विरोध प्रदर्शन और सरकार का पुतला दहन करने पर बुलाया गया था। यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि हमारा ये आंदोलन प्रदेश व्यापी था और जिस दिन हमने प्रदर्शन किया था उसी दिन पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश युवा कांग्रेस ने जगह जगह सरकार का कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए रैलियां निकाली, विरोध प्रदर्शन किया और पुतले जलाए, लेकिन हम लोगों पर राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अश्विनी कुमार ने बताया कि अगर एक पुतले को जलाने से प्रशासन इतनी त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे एक दर्जन कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज कर सकती है तो फिर दिल्ली में बैठे हमारे किसान भाई, जहां 100 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, आज तक उनके मामले में सरकार की नींद क्यों नहीं खुलती। इसलिए हम पुलिस प्रशासन को भी आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक दबाव के चलते हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे ना बनाए जाएं और हमारे विरोध प्रदर्शन को जो कि देश के जनता के हित में है उसको दबाने की कोशिश ना किया जाए। अगर यही क्रम जारी रहा तो युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और इस विरोध प्रदर्शन को और तेज करेगी। तो हम पुलिस स्टेशन हमीरपुर में आए थे तो हमारे ऊपर 17 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन किया हुआ था गांधी चौक पे, तो उसके कार्रवाई करते हुए हमीरपुर पुलिस स्टेशन सदर में हमारे ऊपर FIR का दर्ज की गई थी। तो हमें प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और पुतले जलाए गए थे, तो हम प्रशासन और सरकार से पूछना चाहते हैं कि कितने मुकदमे हिमाचल सरकार ने यूथ कांग्रेस के ऊपर किए हैं और ये जो हमारी सरकार तानाशाही बैठी हुई है सेंटर में, जो है मोदी और रंगा बिल्ला की दोनों सरकारें बैठी हुई हैं, इन्होंने ना तो महंगाई पे काबू कर रहे हैं ना तो किसी भी प्रशासन और ना तो देखो किसान बैठे हुए हैं हमारे धरने के ऊपर। कितने दिन हो गए उनको, 100 के करीब जो इस टाइम किसान हैं वो इस टाइम शहीद हो गए हैं। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं और प्रदेश सरकार जो हमारी जयराम की सरकार है गुंगी बहरी उसके उससे भी पूछना चाहते हैं कि ये जो मुकदमे अगर धरना कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं हम, तो एक आम आदमी महंगाई से इस टाइम त्राहिमान है। तो हम पूछना चाहते हैं जो भी मुकदमे दायर किए गए हैं हिमाचल यूथ कांग्रेस के ऊपर तो वो किस बिना पर किए जा रहे हैं। एक जो धरना है अपोजिशन का काम होता है कि जो जनता की मांग है उसको उठाना, अगर सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो। आज हमारी जो FIR हुई थी उसकी जमानत हमने करवाई है।